मंदसौर जिले के पुलिस की चेकिंग देखकर पुलिस के डर से भागे पंजाब के खूंखार आरोपी। जब मंदसौर पुलिस ने आरोपियों का पीछा करना चाहा, तो आरोपियों ने पुलिस के वाहन पर भी फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत रही कि पुलिस के जवानों को गोली नहीं लगी। जी हां, उसके बाद पुलिस के डर से खड़ावदा गांव से चंबल नदी पर बने गांधी सागर बांध के पानी में जाकर एक टापू के ऊपर बैठ गए थे। वहीं पुलिस ने 4 घंटों की मेहनत के बाद खूंखार आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। गरोट पुलिस ने कल जिन 2 हथियारबंद बदमाशों को पकड़ा है, वे पंजाब के सुखदेव हुड्डा गिरोह के सदस्य हैं। जी हां, मंदसौर एसपी हितेश चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके घटना का बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि दोनों आरोपी पंजाब में नामी गुंडे हैं। जी हां, पंजाब के कुख्यात गिरोह के 2 हार्डकोर अपराधियों को मंदसौर पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से 3 ऑटोमेटिक पिस्टल और 101 कारतूस बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक हितेश चौधरी ने बताया कि 6 लोगों की हत्या के मामले में फरार पंजाब के मोगा जिले के लखविंदर सिंह उर्फ लखा और अमरीक सिंह को मंदसौर जिले के गरोट कस्बे से गिरफ्तार किया गया है। लखविंदर पर 4 हत्या के मामले दर्ज हैं, जिसमें से 3 मामलों में वह फरार चल रहा है, जबकि अमरीक सिंह पर 2 हत्या के प्रकरण दर्ज है। जी हाँ, ये दोनों आरोपी पंजाब के कुख्यात सुखदेव हुड्डा गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। सुखदेव को 3 दिन पहले ही पंजाब पुलिस ने पकड़ा है। उसके बाद से इन दोनों की तलाश की जा रही थी, जो उत्तराखंड फरार हो गए थे। ये दोनों मंदसौर जिले के शामगढ़ में किसी परिचित के यहाँ पर फरारी काटने के लिए आए थे। चौधरी ने बताया कि हत्या व करोड़ों रुपए की फिरौती सहित कई मामले में इनके खिलाफ पंजाब में प्रकरण दर्ज हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 ऑटोमेटिक पिस्टल, 101 कारतूस, 1 कार, 2 मोबाइल, 3 टैब, 5 नंबर प्लेट सहित अन्य सामान बरामद किया है। देखें, एक बड़ी भयानक गैंग का पर्दाफाश आज मंदसौर पुलिस द्वारा किया गया है। कल की घटना है, सभी को ज्ञात होगा कि एकाएक यह बात सामने आई थी कि फायरिंग करते हुए, पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए गाड़ी से कुछ लोग भागे हैं। घटना में यह हुआ था कि गरोट थाने में जो पुलिस का वाहन था वो जा रहा था, उसने हरियाणा पासिंग गाड़ी देखी आरक्षक रोहित ने, तो सूझबूझ के साथ उसने पूछने का प्रयास किया कि कहाँ से हैं, क्या है। इतने में दोनों आरोपी गाड़ी को तेज गति से लेकर के भागे, उसका पीछा किया गया और कंट्रोल के माध्यम से आसपास के सभी थाना क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया। एडिशनल एसपी विनोद और एसडीओपी साहब स्वयं दोनों इसको मॉनिटर कर रहे थे, वो भी आरोपियों के पीछे लगे। रास्ते में उनके द्वारा पुलिस पर 2 फायर किए गए। गंभीरता को देखते हुए अन्य जगह नाकाबंदी की गई, चेकपोस्ट लगाए गए, तो एक जगह इनके द्वारा उस नाकाबंदी को तोड़कर आगे भागे। लगभग 30 से 40 किलोमीटर इन्होंने पुलिस को आगे भागते रहे। लास्ट में डूब क्षेत्र के वहाँ पर जो तालाब नदी थी वहाँ पर इनकी गाड़ी रुकी और इनको कोई भी रास्ता नहीं दिखा, क्योंकि पीछे भारी पुलिस बल इनके पीछे था, तो ये भागते हुए फायर करते हुए पानी के अंदर घुस गए। वहाँ से पुलिस को एक तरह से धमकी और डूबने की धमकी भी दे रहे थे कि हम सुसाइड कर लेंगे। वहाँ जो इनके हथियार आदि दिखे तो पुलिस को समझ में आया कि काफ़ी गंभीर अपराधी। उनको समझाइश बुझाइश भी दी गई, माइक से अनाउंसमेंट भी किया गया, साथ ही बोर्ड भी लाई गई, किंतु नहीं माने और इनके द्वारा पुनः फायरिंग की गई, जिसके जवाब में हवाई फायर पुलिस के द्वारा किया गया। उसके भय से और जो चारों तरफ से घेराबंदी थी उसको देखते हुए दोनों आरोपी ने फिर सरेंडर किया और इनके पास से 3 अत्याधुनिक फॉरेन मेड वेपन्स पिस्टल मिले हैं, जो काफ़ी अत्याधुनिक हैं। साथ ही 104 राउंड्स इनके पास से बरामद हुए हैं, जिसमें से 3 इनके द्वारा चलाए भी गए थे। ये एक बहुत बड़ी गैंग, जब इनके बारे में पता किया तो इनके द्वारा बताया गया कि पंजाब के रहने वाले हैं। वहाँ आईपीएस सुरेंद्र लांबा जी से हमारी चर्चा हुई, वरिष्ठ अधिकारी वहाँ के हैं, उनके द्वारा इनके फोटो देखकर बताया गया कि ये किसी गैंग का हिस्सा है और जानकारी पंजाब पुलिस द्वारा हमें दी गई, जो बहुत काम आई इसमें। ये एक देवेंद्र बम्हे नामक गैंग वहाँ मोगा डिस्ट्रिक्ट पंजाब में चलती है, जिसके देवेंद्र का बताया गया इनके द्वारा कि एनकाउंटर 3 साल पहले हुआ था। उसके बाद सुखप्रीत सिंह ने इस गैंग को संभाला और लगभग 200 के आसपास इसमें मेंबर्स जो आरोपी उनके द्वारा बताया गया कि हैं। ये जनरली पैसे और गैंग के नाम पर शूटर का काम करते थे दोनों जन, और इनके द्वारा बताया गया कि लगभग 4 से 5 हत्या के प्रकरण इन्होंने किए हैं, साथ ही अन्य फिरौती NDPS आदि अपराध इनके द्वारा किए गए हैं। पिछले 3 अपराध में तो बताया जा रहा है कि ये फरार हैं। आखिरी जो घटना इनके द्वारा हुई वो 7 नवंबर को बाबा दयाल सिंह जी की हत्या इनके द्वारा पंजाब में की गई और 7 नवंबर से ही ये फरारी काट रहे थे अन्य कई जगह। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।